कागज की ये महक, ये नशा रूठने को है, ये आखिरी सदी है किताबों से इश्क की। मुझे अक्सर लोग ये कहते हैं कि आप जो किताबें पढ़ते हैं उन्हें हमारे साथ भी शेयर किया करें। इस वक्त मेरे हाथ में है कुदरतुल्ला शहाब साहब का लिखा हुआ शहाबनामा। शहाबनामा का शुमार उन समा उम्रियों में होता है जिसको मुताला किए बगैर तारीख पाकिस्तान के मुताला की तकमील नहीं होती। अगर आप पाकिस्तान की तारीख को मुस्तकीमन पढ़ना चाहते हैं तो आपको शहाबनामा से गुजरना पड़ेगा। कुदरतुल्ला शहाब साहब ने इंतहाई सादगी के साथ अपनी जिंदगी के हालात वाकयात को, तजर्बात और तजजियात को, ना तो इसमें कोई ड्रामाई रंग है ना मनगढ़ंत किस्से कहानियां हैं, अपने जाती तजुर्बात को डायरी की मानद उन्होंने इंतहाई खूबसूरती के साथ सुपुर्दे कलम किया। इसलिए ये किताब उर्दू अदब में अपनी मुनफरद हैसियत रखती है। कुदरतुल्ला शाह साहब का मुख्तसरन तारुफ यह है कि आपका शुमार तारीख पाकिस्तान में नामवर ब्यूरोक्रेट्स में किया जाता है। 1917 में आप गिलगित बल्तिस्तान में पैदा हुए, जम्मू कश्मीर से मैट्रिक किया और बाद में एमए का इम्तिहान गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से आपने पास किया। 1941 में इंडियन सिविल सर्विसेज का इम्तिहान पास किया जो कि उस दौर की बेहतरीन अचीवमेंट शुमार होती है। इससे पहले कि मैं इस किताब का दिबाचा आपके साथ शेयर करूं जिसको आपने इकबाल जुर्म का नाम दिया, उससे पहले एक बड़ा खूबसूरत इक्तबास जो मुझे बहुत पसंद है। कभी नमाज में दिल लगता है, कभी नहीं लगता। कभी जहन में सुकून होता है, कभी इंतशार। कभी वसावस का हुजूम होता है, कभी परेशान ख्यालियां हमलावर होती हैं। नमाज के वक्त यकसुई शाजो नादर ही नसीब होती है। इससे दिल में यह खटक रहती है कि ऐसी नाकस नमाज का क्या फायदा जो सिर्फ उठक बैठक पर मुश्तमिल हो। रफ्ता रफ्ता एक बात समझ में आई कि इमारत की तमीर के लिए इब्तिदा में तो सिर्फ बुनियाद मजबूत करने का एहतमाम किया जाता है, उसके खुशनुमा होने के पीछे नहीं पड़ते। इसमें रोड़े पत्थर वगैरह भी भर देते हैं और बाद में इस पर आलीशान महल और बंगले तामीर होते हैं। इस तरह नाकस अमल की मिसाल भी कामिल अमल की बुनियाद के मुतरादिफ है। बुनियाद की खूबसूरती और बदसूरती पर नजर ना की जाए, जो कुछ जिस तरह भी हो करता रहे, जैसे नमाज को या नाकस ही हो मगर हो हुदूद में, वो हो जाती है। इसी पर अमल करने से नमाज कामिल का दरवाजा भी अपने आप खुलना शुरू हो जाता है। यह इंतहाई खूबसूरत इक्तबास था। हजरत इकबाल का एक शेर आप फरमाते हैं कि तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग, कि तू किताब ख्वाह है मगर साहिब किताब नहीं। ऊपर तस्वीर मेंशन कर रहा हूं ताकि आपको ढूंढने में आसानी रहे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। सलाम पहुंचे।